Hello everyone, I'm your host Mr. Rajpoor and watching Comic Rajpoor and welcome back to another part of Comic Updates. So guys, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं Comic Updates की वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, क्योंकि मैं अपनी दूसरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसी कारण मैं इस वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन मैं न्यूज़ कलेक्ट करता जा रहा था, सो इस बार काफ़ी सारे अपडेट जो हैं वो थॉर 4 मूवी से हैं और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी हैं, और उसके बाद गार्डियन ऑफ गैलेक्सी से भी काफ़ी सारे मेजर अपडेट्स आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स आए हैं मार्वल की तरफ से। तो पहला कॉन्सेप्ट आर्ट जो है वो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से स्पाइडरमैन के सूट का। ये वाला डिज़ाइन मूवी के डिज़ाइन से अपग्रेडेड डिज़ाइन है, कैप्शन में तो यही लिखा था। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर्ट है मीक का, जो कि है थॉर 4 से। जी हाँ, फाइनली थॉर 4 से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स निकल कर आए हैं और पहला कॉन्सेप्ट आर्ट है मीक का। और थॉर 4 मूवी में मीक को एज ए गर्ल प्रेजेंट किया जाएगा। और उसके बाद का कॉन्सेप्ट आर्ट भी थॉर 4 से है, जो कि है अर्थ के न्यू एसगार्ड का, जो कि दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और न्यू एसगार्ड हमने एवेंजर्स एंडगेम में भी देखा था। और उसके बाद का काफ़ी वाहियत कॉन्सेप्ट आर्ट है रेड स्कल का इन्फिनिटी वॉर से। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर्ट है कैप्टन मार्वल की मूवी के क्ली सूट का। लेकिन मूवी में इस क्ली सूट को यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉमिक से अलग था। और उसके बाद का एक पोस्टर है एंटमैन एंड द वॉस्प के मूवी का, जो कि एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट था उस मूवी के लिए। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर्ट है थैनोस वर्सेस एवेंजर्स की फाइट का, जो कि टाइटन ग्रह के ऊपर हुई थी। और इस कॉन्सेप्ट आर्ट में थैनोस इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करता है एवेंजर्स के ऊपर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज का, जो कि मूवी में दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड आयरन मैन का। और इस कॉन्सेप्ट आर्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रो फॉर्म में है, पर मूवी में ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ था, यानी कि बाद में सीन को डिलीट कर दिया गया। और लास्ट कॉन्सेप्ट आर्ट है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से अर्थ के एलिमेंट का। अब बात करते हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 से आए सभी अपडेट्स के बारे में। तो पहला अपडेट ये है कि योंदू का रोल प्ले करने वाले एक्टर माइकल वॉकर ने ये कहा है कि वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 में रिटर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर उन्हें कोई अच्छा सा नया करेक्टर मिल जाए तो। और इसके बाद गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 मूवी का प्लान किसी तरह से भी इफेक्टेड नहीं हुआ है कोविड-19 से, यानी कि इस मूवी की शूटिंग और शेड्यूल इसके टाइम पे ही चलेगा। और इसी के साथ साथ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने यह भी बोला है कि इस मूवी में हमें एक मेजर करेक्टर की डेथ देखने को मिलेगी, यानी कि इस मूवी में एक मेजर करेक्टर की डेथ होने वाली है। और इसी के साथ साथ जेम्स गन ने यह भी बोला है कि इस मूवी में क्रैगलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और मूवी का काफ़ी ज़्यादा फोकस क्रैगलिन के ऊपर भी होगा। और इसके साथ साथ जेम्स गन ने यह भी बोला है कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 4 को लेकर उनका कोई भी प्लान नहीं है, यानी कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 मूवी MCU की गार्डियंस की आखिरी मूवी होने वाली है। तो अब बात करते हैं थॉर 4 से आने वाले सभी अपडेट्स के बारे में, और ये सभी अपडेट्स खुद थॉर 4 के डायरेक्टर टाइका वाटिटी ने दिए हैं। और पहला अपडेट ये है कि टाइका वाटिटी ने ये बोला है कि थॉर 4 की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और उन्होंने बोला है कि थॉर 4 की स्क्रिप्ट 75% डन हो चुकी है। और गाइस, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रहे थे कि टाइका वाटिटी हमें थॉर 4 में सिल्वर सर्फर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और इसी रूमर को दूर करते हुए टाइका वाटिटी ने यह बोला है कि थॉर 4 में सिल्वर सर्फर की कोई भी अपीयरेंस नहीं होने वाली, और ऐसा इस मूवी में कोई भी करेक्टर नहीं दिखाया जाएगा। और उसके बाद टाइका वाटिटी ने यह बोला है कि थॉर 4 में हमें स्टार शार्क्स देखने को मिलेंगी, जो कि फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी एक्समैन के कॉमिक में, और थॉर 4 में ही स्टार शार्क्स अपना डेब्यूट करेंगी MCU में। और इसके साथ साथ उन्होंने बेटा रे बिल का इस मूवी में होने वाला कोई भी अपीयरेंस के बारे में कंफर्मेशन नहीं दी है, उन्होंने बस यह टीज किया है कि अभी बेटा रे बिल का कैरेक्टर इस मूवी में इन द एयर ही है, यानी कि अभी कुछ भी श्योर नहीं है बेटा रे बिल के बारे में कि वह इस मूवी में अपीयर होगा या नहीं। और इसके साथ साथ टाइका वाटिटी ने यह भी टीज़ किया है कि शायद हमें थॉर 4 में MCU के हल्क का रिटर्न देखने को मिले, यानी कि हमें प्रोफेसर हल्क थॉर 4 में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ टाइका वाटिटी ने यह बताया है कि थॉर 4 में हमें कॉर्क की पूरी बैक स्टोरी और उसका कल्चर बताया जाएगा। और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि थॉर हमें दोबारा अपनी फिट फॉर्म में दिखेगा। और इसी के साथ साथ टाइका वाटिटी ने यह भी कहा है कि लोकी का रिटर्न थॉर 4 में होगा या नहीं, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सो नेक्स्ट अपडेट है स्पाइडरमैन 3 से। हालांकि अभी स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके टाइटल को लेकर काफ़ी ज़्यादा गैसेस किए जा रहे थे फैंस की तरफ से। तो अभी ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया है कि स्पाइडरमैन 3 के टाइटल में होम का यूज़ होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन की पहली दो मूवीज़ में हुआ है। तो अभी आप गैस कीजिएगा कि ऐसा कौन सा टाइटल हो सकता है जिसमें कि होम यूज़ हो स्पाइडरमैन 3 में।
तो अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है होम से रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलना। और आज का लास्ट अपडेट है DC की बैटमैन मूवी से। तो हालांकि DC की बैटमैन की मूवी की शूटिंग अभी स्टार्ट ही हुई थी, लेकिन COVID-19 के कारण सब कुछ रुक गया और इसी रुकी शूटिंग के कारण बैटमैन की मूवी की रिलीजिंग डेट भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगी, क्योंकि अभी बैटमैन की मूवी स्टार्ट ही हुई थी और इसी के साथ उसकी शूटिंग को रोक दिया गया, तो अब उसकी रिलीजिंग डेट में शायद काफ़ी बड़ा गैप पड़ जाएगा। और इसी के साथ हमारी कॉमिक अपडेट्स की वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आप इन अपडेट्स के साथ अपडेटेड हो गए होंगे और आपको MCU में होने वाले फ्यूचर की सभी न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसी तरह की न्यूज़ और अपडेट्स लाता रहूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।